आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एज, और अब हम देखेंगे एज के सभी यूज और रूल्स ऑफ एज। तो देखते हैं एज का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एज का जो अर्थ होता है वो होता है जैसे, फिर दूसरा एज एडजेक्टिव एज प्लस नाउन, इसका अर्थ होता है समान, जैसा, इतना। इन तीनों में से कोई भी अर्थ आ सकता है। तो होता है एज एज, इसका अर्थ होता है इतना जितना की। फिर सो एज, इसका इतना जितना की। एज सो, इसका अर्थ होता है जैसा वैसा ही। और अब हम देखेंगे पहला एग्जांपल, और ये है एज का एग्जांपल, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। दूसरा एग्जांपल, ही वर्क्स एज माय फ्रेंड, इसका हिंदी अर्थ होता है वह मेरे दोस्त के जैसे काम करता है, या फिर आप कह सकते हो वह मेरे दोस्त के रूप में काम करता है। अब हम देखेंगे दूसरा रूल, एज एडजेक्टिव एज। तो देखिए, एज ब्लैक एज कोल, कोले जैसा काला। दूसरा, एज रेड एज ब्लड, खून जैसा लाल। तीसरा, एज ब्यूटीफुल एज फेरी, परी के समान सुंदर। आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल, शिवानी इज एज ब्यूटीफुल एज फेरी, शिवानी उतनी ही सुंदर है जितनी परी। अगला एग्जांपल, शिवानी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज फेरी, इसका अर्थ होता है शिवानी उतनी सुंदर नहीं है जितनी परी। अगला एग्जांपल, यू आर नॉट सो गुड एज योर ब्रदर, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम्हारा भाई। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज एज का प्रयोग और सो एज का प्रयोग, ये दोनों सेम होते हैं। अंतर ये होता है कि ये लगता है सिंपल में, जैसे जब हम दो क्वालिटी की बात करते हैं, दो समान क्वालिटी की बात करें कि वह उतना ही सुंदर है जितना वह, जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया शिवानी उतनी ही सुंदर है जितनी की परी, तो दोनों सेम हो गए। तो ऐसी जगह पर लगाते हैं एज एज, और जब हमारी क्वालिटी ये असमान हो, इनमें असमानता होती है जो कि सेम ना हो, ऐसी कंडीशन में हम सो एज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल, हमारा नया एग्जांपल है, ही इज नॉट सो रिच एज ही लुक्स, इसका अर्थ होता है वह इतना अमीर नहीं है जितना वह दिखता है। दूसरा एग्जांपल, यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू शो, तुम इतना सुंदर नहीं हो जितना तुम दिखाते हो। अगला एग्जाम्पल, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी ट्राइज टू बिकम, इसका अर्थ होता है वह इतनी होशियार नहीं है जितनी वह बनने की कोशिश करती है। इस तरह से आप सो एज का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब क्वालिटी अलग अलग होती है, असमान क्वालिटी रहती है, मतलब क्वालिटी सेम ना हो, तब हम सो एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब क्वालिटी बराबर होती है, सेम होती है, तब एज एज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे नया रूल, हमारा नया रूल है एज सो, और अब हम देखेंगे एज सो का सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है, एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, इसका अर्थ जैसा बच्चा होता है वैसा आदमी बनता है। दूसरा एग्जाम्पल, एज यू कुक सो यू विल ईट, जैसा तुम बनाओगे वैसा खाओगे। अगला एग्जाम्पल, एज शी स्टडी सो शी विल पास, मतलब जैसा वह पढ़ाई करेगी वैसा वह पास हो जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल, एज यू अर्न मनी सो यू विल लिव योर लाइफ, इसका अर्थ होता है जैसा तुम पैसा कमाओगे वैसा अपनी जिंदगी जियोगे। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।